जैसे कि इंडियन रुपीस, डॉलर्स, दीनार, रियाल करेंसीज है, वैसे ही बिटकॉइन भी एक करेंसी है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी है, यानी ऐसी करेंसी जिसको आप ना छू सकते हैं और ना ही इस पर किसी सरकार का कोई कंट्रोल होता है। सरकार का कंट्रोल ना होने की वजह से इसका प्राइस काफी तेजी से घटता और बढ़ता रहता है। इसी घटने और बढ़ने में लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट करके इससे काफी पैसे भी कमा लेते हैं। जैसे कि एक महीने पहले जब मैंने बिटकॉइन पर वीडियो बनाया था तो उस टाइम एक बिटकॉइन का प्राइस था 7 लाख रुपए, लेकिन आज की डेट में एक बिटकॉइन का प्राइस 14 लाख रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। मतलब कि अगर आपने उस टाइम बिटकॉइन में कुछ इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो गया होता। 2018 में RBI ने क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में बैन कर दिया था, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया है। अब आप लीगली इंडिया में बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को बाय सेल कर सकते हैं। बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को खरीदने बेचने के लिए इंडिया में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। उन्हीं एप्लीकेशन में से एक ट्रस्टेड और बेस्ट एप्लीकेशन है CoinSwitch। पैसे डिपॉजिट करना काफी इजी है, बिना किसी चार्ज के आप इंस्टेंटली इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप बाय सेल कर सकते हैं और सेल करने के बाद आप पैसों को सीधे बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी फीस के। CoinSwitch एप्लीकेशन के थ्रू बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, चलिए मैं आपको इसका कम्प्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में CoinSwitch एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। इसके बाद आपको एक पिन सेट कर लेना है। लॉगिन करते ही पहले आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा, आपको KYC करनी होगी, जिसके लिए आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। KYC के लिए आप यहाँ यूजर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, इसमें बेसिक वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ डालेंगे। बेसिक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए आप पैन कार्ड वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। आपको अपने पैन कार्ड का एक फोटो क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप गाइडलाइंस देख सकते हैं, आपको ओरिजिनल पैन कार्ड का फोटो क्लिक करना है। अपने पैन कार्ड का आपको यहाँ पर एक फोटो क्लिक करना होगा। इस तरीके से आपको पैन कार्ड का एक फोटो क्लिक कर लेना है। इसके बाद माई डॉक्यूमेंट इज रीडेबल, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको बैक साइड का भी फोटो क्लिक कर लेना है। इस तरीके से आप फोटो क्लिक करेंगे और यहाँ माई डॉक्यूमेंट इज रीडेबल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर ये वेरिफिकेशन के लिए सबमिट हो गया है। अब आपको आईडी कार्ड वेरीफाई कराना होगा, जिसके लिए आप आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। आईडी कार्ड में आप आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। चलिए हम आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी आपको आधार कार्ड अपलोड करना होगा, आपको ओरिजिनल आधार कार्ड का फोटो क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक सेल्फी लेनी होगी। सेल्फी लेने के लिए आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे। आपको अपनी सेल्फी इस सर्कल में लेनी होगी, इसके बाद क्लिक करेंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करेंगे। KYC में 2 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, आपको वेट करना होगा वेरिफिकेशन कम्प्लीट होने का। इसमें आपको बैंक डिटेल्स भी एड करनी होगी। जब आप बिटकॉइन सेल करेंगे तो आप अमाउंट इसी बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए आप यहां बैंक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालकर सबमिट करना है। आपकी मेल आईडी पर एक OTP सेंड किया जाएगा, कंफर्मेशन के लिए आप यहां OTP डालकर कंफर्म करेंगे। आपकी बैंक डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। यूजर वेरिफिकेशन पर क्लिक करके आप अपनी KYC का स्टेटस देख सकते हैं, 100% कंप्लीट हो चुकी है। एक बार KYC कंप्लीट होने के बाद आप इसमें बाय सेल कर सकते हैं। बिटकॉइन बाय करने के लिए सबसे पहले आपको डिपॉजिट करना होगा, जिसके लिए आप डिपॉजिट INR पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अमाउंट डालेंगे जितना भी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं 200 रुपीज डिपॉजिट करना चाहता हूँ। डिपॉजिट आप UPI, NEFT, RTGS या IMPS के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि हम UPI के थ्रू करेंगे तो यहाँ UPI पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो अपना एप्लीकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि Google Pay, PhonePe, PayTM या फिर आप यहाँ पर UPI ID डाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर PhonePe सिलेक्ट करेंगे। PhonePe में आप देख सकते हैं 200 रुपीज हम डिपॉजिट कर रहे हैं, सेंड। इसके बाद अपना UPI पिन एंटर करेंगे और 200 रुपीज सक्सेसफुली यहाँ पर डिपॉजिट हो चुके हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 200 रुपीज सक्सेसफुली डिपॉजिट हो चुके हैं। अमाउंट एप्लीकेशन में आ चुका है। अब यहाँ पर हम बिटकॉइन या कोई भी कॉइन बाय कर सकते हैं। जैसे कि हमें बिटकॉइन बाय करना है तो बिटकॉइन पर क्लिक करेंगे। ऊपर आप बिटकॉइन का करंट प्राइस देख सकते हैं और नीचे यहाँ पर आप इसका चार्ट देख सकते हैं। आप इसमें 1 ईयर, 1 मंथ, 1 वीक
और वन डे का चार्ट देख सकते हैं। इसमें आप मार्केट कैप भी देख सकते हैं। बाई करने के लिए बाई पर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है जितना आपको बाई करना है, जैसे कि यहाँ पर हम डाल देते हैं 200 रुपीज। इसके बाद प्रीव्यू बाई पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक प्रीव्यू आ जाएगा 200 रुपीज के बिटकॉइन हम बाई कर रहे हैं। यहाँ बाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑर्डर सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुका है। आपने जो भी कॉइन्स परचेस किए हैं वो आप यहाँ पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास कितने इंडियन रुपीज हैं और कितने बिटकॉइन आपने परचेस किए हुए हैं। इसके बाद जब भी आपको बिटकॉइन सेल करना हो तो आप पोर्टफोलियो में आएंगे और यहाँ बिटकॉइन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप यहाँ सेल पर क्लिक करेंगे, कितना बिटकॉइन आपको सेल करना है वो आप यहाँ पर डालेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना बिटकॉइन अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर डालेंगे जितना आपको सेल करना है। जैसे कि हमें टोटल बिटकॉइन सेल करना है तो यहाँ पर टोटल डाल देंगे और प्रीव्यू सेल पर क्लिक करेंगे, आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। इसके बाद यहाँ सेल नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। बिटकॉइन सेल होते ही पैसे आपके कॉइन स्विच वॉलेट में आ जाएंगे, जो कि आप यहां देख सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए आप इसी पर क्लिक करेंगे और जो भी अमाउंट आपको यहां पर शो होगा उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको विड्रॉ बटन पर क्लिक करना है। जो भी अमाउंट आपको विड्रॉ करना है वो आप यहां पर डालेंगे। इसके बाद विड्रॉ पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी बैंक डिटेल्स ऐड की हुई है वो आपके सामने आ जाएगी, आप कंफर्म करेंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको पिन डालना होगा। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहां डालकर कंफर्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं विड्रॉ सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। सो इस तरीके से कॉइन स्विच एप्लीकेशन के थ्रू बिटकॉइन या कोई भी कॉइन बाय करना, सेल करना और अपने बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉ करना काफी ईजी है। अगर आप कॉइन स्विच एप्लीकेशन अपने किसी फ्रेंड को रेफर करते हैं तो आपको और आपके फ्रेंड दोनों को 50-50 रुपीस के बिटकॉइन मिलते हैं। कॉइन स्विच एप्लीकेशन का iOS वर्जन भी अवेलेबल है, जो कि आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि बिटकॉइन क्या होता है और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।